एक्शन साहब को भी बोला रजौरी में कहने के लिए मामा इधर आओ बुजुर्ग बंदे ने, और उसके बाद जब वो 5-7 लाख की आइटम है वो जो स्टेबलाइजर है तो उसके बाद वो लगाएंगे जब हमारे फंड्स आएंगे। मैंने कहा सर ठीक है आप इसको स्टार्ट करो किस तरह भी, क्योंकि पब्लिक की गलती है नहीं, तो जब आपके पास फंड्स आएंगे तो उस वक्त आप स्टेबलाइजर लगवा देंगे। ठीक है जी, कोई चोरी का इशू मैं सर हमारे पास BDG भी है, प्लस हमारे पास नौजवान सोशल वर्कर हैं जो रात को अपना ठीक रिपेयर दे सकते हैं। चलो बारी बारी हम भी कोशिश करेंगे और पुलिस को भी साथ लेके, तो कोशिश करेंगे आज के बाद ऐसा ना हो, और आपके एम्प्लॉय भी एक दो वहाँ रहें तो ठीक है जी। आज तक 9 दिन हो गया उनका कोई एक्शन नहीं है बिल्कुल। रात को मैंने 2-3 बार कॉल भी की उनको, लेकिन उन्होंने वो जवाब नहीं दिया उस पर। अब ये लोग जनाब के पास आए हैं एक उम्मीद ले, 3 फैमिली में से एक आदमी लाया है, क्योंकि हमारे पास जरा काम थी, एक ही गाड़ी थी मैटाडोर। तो सर आज से गवर्नर उसका ऑब्जेक्शन किया, उस टाइम AW अशोक सर थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है इसको हम साफ करेंगे। साफ तो ऊपर से लेंटर पड़ा हुआ था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब भी हमारे एक्शन साहब से बात है सिविल वालों से, तो वो कहते थे कि हमने टेंडर लगा दिया है, इसका जल्द ही काम हो जाएगा जैसे ही मौसम ठीक होता है। अब जो सर वो 9 महीने हो गए हैं, वो वैसे का वैसे वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम दोबारा जल्दी ही बनने वाली है। नहीं, ये दूसरे वाले का क्या नाम बताया सर? सेम है ये दंदानी साइकिल फिल्टर प्लांट है ये। नहीं, इशू है डिपार्टमेंट इसको लाइट लेता है बार बार, और उसके बाद जब पब्लिक भड़क दी है फिर कहते हैं जी लोग हमारे साथ प्रोटेस्ट करते हैं, लोग हो गए इसको। और उस टाइम इन्होंने आश्वासन दिया था, DDC मैडम भी वहां गए हुए थे, तो उस टाइम इन्होंने कहा, सुरेंद्र चौधरी जी भी एक बार वहां गए, तो इन्होंने कहा नहीं जी ये आपको टेंडरिंग होगी है इसकी, जल्द ही इसके ऊपर दोबारा लेंटर डाल दिया जाएगा। अब वो प्रॉब्लम आती है जब वो बाहर से गंदा पानी जाता है, उसके साथ डस्ट हो जाती है सर, तो उसमें क्या होता है कि जो वो पंप है ना, पंप सेट, वो जेई मैकेनिकल से मेरी कई बार बात हुई इस बारे में, जागी साहब से, तो उन्होंने कहा हमने 7-8 का, क्योंकि काफी जगह इनकी चोरी हुई है, वो भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ, बट ये परसों कोई ना कोई इनका ऑफिशियल जो है जेई या AW जाएगा, आपसे बात कर लेगा, वो बताएगा कि क्या किया हमने क्या नहीं, और जो ऊपर से नंगा है इसका भी उसको बोलेंगे, तो वो भी ठीक करवाएंगे, दोनों चीजें होंगी। अगर नहीं होगा मंडे को आपके पास नहीं पहुंचा कोई, तो मुझे फोन पे बता देना कि भाई इधर कोई नहीं आया। ठीक सर, तो जरूरी है सर से मातृशक्ति आपके पास इसलिए आए हैं, दुखी है सर। चलो पानी नहीं लाना चाहिए सर, मातृशक्ति कोई नहीं, एक आदमी आए तो लिस्ट भी ले ली है इनसे। दूसरा ये वाला जो आपके इशू है ये इनको सॉर्ट आउट करवाएंगे, जैसे उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट करके जैसे भी करते हैं तो वो करेंगे, इसको जताएंगे। जी जी, ठीक है जी, थैंक यू सर। थैंक यू, मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आए। जनता की आवाज़ हमेशा मीडिया ही बनती है, आज भी हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जाएगी और इसका एक्शन भी ज़रूर होगा। जैसा कि आपको पता है कि आज हम दंदानी गांव लमेड़ी ईस्ट पंचायत से आए हैं। ये मामला सर यह है कि उधर एक दंदानी सेकंड फिल्टर प्लांट है, आज से 20-25 दिन पहले एक चोरी का मामला आया था, जिसमें वहाँ के कुछ जो अंदर का सिस्टम है वहाँ का मैकेनिकल का, वो चोर ले गए थे। अब उन्होंने स्टेबलाइजर वगैरह की चोरी तो की, हमने भी चलो विश्वास किया कि डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ हरकत इस पर करेगा, लेकिन जब भी डिपार्टमेंट को फ़ोन करते हैं तो वो यही बताते हैं कि हमारे पास अभी फंड्स नहीं हैं, ये जो चोरी हुई है इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस अपनी कार्रवाई बेखूबी कर रही होगी, हम पुलिस को भी कहेंगे कि अगर इस पर जल्द से जल्दी एक्शन करें और इसकी कार्रवाई करें। SSP साहब रजौरी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, प्रशासन हमारा जो है जहाँ भी बैठा हुआ है। तो लेकिन जनता का क्या कसूर है? जनता पानी तरस रही है पानी के लिए, आप गर्मी का सीज़न शुरू हो रहा है, तो जनता को जनता का क्या कसूर है जो उसको दंड मिल रहा है? चोर जन कोई और है, दंड जनता को मिल रहा है। अब हम आज ADC साहब के पास आए हैं, हम इस विश्वास के साथ आए हैं कि हमारे अच्छे ऑफिसर हैं,
और ये इस पर एक्शन करेंगे। जैसा कि मैंने ADC साहब से अभी बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसको ठीक करवाएंगे, जो दंदानी सेकंड फिल्टर प्लांट है और उसके साथ साथ जो सिविल डिपार्टमेंट का नीचे एक वेल है दंदानी सेकंड फिल्टर प्लांट का, वो बड़ी अफसोस की बात है कि एक साल से पहले कई बार प्रोटेस्ट भी हुए और जब भी डी साहब वहाँ आए, AW साहब आए, उन्होंने हमेशा यही आश्वासन दिया कि जो जो बेल ऊपर से नंगा है इसको हम डक लेंगे, इसका टेंडर हो चुका है, इसका लेंटर का टेंडर हो गया है। हमने भी विश्वास किया, तब बरसात का मौसम था, बरसात अब दोबारा भी शुरू होने वाली है, लेकिन अभी वो कुआं वैसे का वैसा ही नंगा है। हमने ADC सर को बताया है कि जनाब अगर डिपार्टमेंट हरकत में आता है तो ठीक, अगर उसमें कोताही बरतता है तो हम आज आप मीडिया के माध्यम से बिल्कुल डायरेक्टली बताना चाहते हैं कि नेशनल हाईवे जाम करेंगे, उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा और डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट को बार बार कहने के बावजूद भी, एक बार याद होगा आज से 1.5 साल पहले, 1 साल 13 महीने वहाँ एक 11 माइल के पास प्रोटेस्ट हुआ था और उस प्रोटेस्ट में वहाँ का पानी भी लाया गया था, तहसीलदार साहब भी मौके पर गए थे, तब AW साहब को बताया गया था कि AW साहब ये पानी आप पिए हुए क्या जो जनता को पिला रहे हो, तो तब भी उन्होंने यही आश्वासन दिया कि मौसम ख़राब है, मौसम ठीक होने के बाद इस कुएँ का जो है इसको दुरुस्त करवाया जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज इतनी देर के बाद कुआं वैसे का वैसा ही पड़ा है। मैं मीडिया से ही प्रार्थना करूंगा कि कभी समय मिले तो आप दंदानी सेकंड फिल्टर प्लांट के पास नीचे एक बेल है उसकी फ़ोटो लीजिए, ऊपर से पूरा नंगा है, अब उसमें कुत्ता गिरे, कुआं गिरे, कोई जहरीली चीज़ सांप गिर जाए मरा हुआ, वो लोग पानी पी रहे हैं, नीचे से कुआं अभी भी साफ़ नहीं हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन की ये जताना चाहता हूँ और डिपार्टमेंट को खास करके ये जताना चाहता हूँ कि आप उसको दुरुस्त कर लें, नहीं तो दंदानी की जनता जो है वो बैठने वाली नहीं है, चुप होने वाली नहीं है, वो ज़रूर रोड पर आएगी और इसका जवाब आपको वहाँ देना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि रोड जाम हो, पब्लिक की हरासमेंट हो, गाड़ियाँ बंद हो, लेकिन अगर आप मजबूर करोगे तो गाड़ियाँ बंद करनी पड़ेंगी हमको, और हमें अपना हक लेने के लिए कोई भी कदम उठाना पड़ेगा वो जनता के लिए हम उठाएंगे। जय हिंद। तो जागे हुए हों तो मुझे लगता है कि ये नौबत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि PIR मेंबर ही एक अवार्डी ऐसी है जो लोकल काम जो है देख रेख करती है और जनता की आवाज़ को सुनती है और जनता का दर्द को समझती है जनता के। अफसोस से कहना पड़ता है कि जब हमें वोटें लेनी होती हैं तब हम लोगों के घर पहुंच जाते हैं, जब हमें कोई काम करवाना होता है तो फिर कहा जाता है कि मुझे किसी ने कहा नहीं। जी आप कैसे कहेंगे लोग, मैं आज आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कहनी नहीं चाहिए थी लेकिन आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ कि जब हम इलेक्शन आते हैं तो जनता के बीच जाते हैं, घर घर जाते हैं वोट मांगने के लिए, तब हमने किसने हमें बुलाया होता है, कोई हमें बुलाता नहीं है कि आप आओ हमसे वोट मांगो, तब तो हम बड़ी खुशी से जाते हैं, चाय कप पीते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे वोटें मांगते हैं। जब जनता के काम की बात आती है तो तब हमें उम्मीद ये रखते हैं हम जो चुने हुए नुमाइंदे हैं खास करके कि हमें कोई कहे तो फिर हम जाएं। ये अफसोस से कहना पड़ता है, अगर हमारे लोकल बॉडी लोकल गवर्नमेंट जागी हुई हो तो ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। इससे पहले जो फिल्टर प्लांट का मसला बना हुआ है वहाँ चुनिंदा मेंबरों ने बैठकर वहाँ से JCP लगवाकर मलबा उठाया हुआ है। मैं आपको दावे से कहना चाहता हूँ, हमारे पास अभी भी वो दावेदारी है और हमारे पास लोग हैं जो कहेंगे कि हमने उस टाइम भी ऑब्जेक्शन किया था और डिपार्टमेंट के लोग साथ में थे कि जो आप ये PHE डगबेल के पास से कुएं से जो मलबा उठा रहे हो ये कल हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी, जनता के लिए प्रॉब्लम बनेगी। लेकिन तब किसी ने नहीं सुनी, तब प्रशासन भी सोया हुआ था, जब हमने प्रशासन को भी बताया था, जो लोकल बॉडी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है PIR उसको भी बताया था, लेकिन वो पास बैठ के मलबा उठवा रहे थे, किसी को क्या कहना, जब बाड़ी खेत को खाने लगेगा तो फिर क्या कहेंगे। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये उम्मीद रखता हूँ, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ आएगी मैं फिर एक बार स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने ADC साहब को जो एक मेमोरेंडम दिया है जनता की तरफ से, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको 3 दिन का समय दिया जाता है, 3 दिन के अंदर उसको दुरुस्त किया जाए, अगर वो नहीं किया जाएगा तो नेशनल हाईवे बंद होगी। ये मैं आज आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जो कहा है वो आज तक किया है, ये कहना सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा मत समझना इसको, क्योंकि ये कागज़ का टुकड़ा समझकर आप अंदर रख दें और इस पर एक्शन ना हो, नॉर्मल एक JIS वगैरह कोई जाके वहाँ हमें आश्वासन दे, वो बात नहीं बनने वाली, क्योंकि आश्वासन को देखते देखते हुए हमें 1 साल हो गया है। अब हमारा जो विश्वास है डिपार्टमेंट से उठ चुका है,
तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, डीसी साहब से भी गुहार लगाना चाहता हूँ कि अगर आज ये डीसी सर के पास आए हैं, विश्वास लेकर आए हैं, अगर हमें जहाँ भी इंसाफ ना मिला तो हम आगे भी जाएंगे और रोड भी बंद करेंगे।